हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल हूँ बढ़िया। और आज वीडियो में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं कौन सा वीडियो लूँ आज, श्रीलंका लूँ या नेपाल लूँ? श्रीलंका लूँ, नेपाल लूँ, श्रीलंका लूँ, नेपाल लूँ, श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, हम श्रीलंका वीडियो की तरफ चलते हैं। और श्रीलंका वीडियो का जिसमें मुझे रिक्वेस्ट मिला है फ्रॉम अमो डीजे, एंड उन्होंने कहा मुझे सिग्नल सॉन्ग प्ले कीजिए। गाने का टाइटल जैसे है एज देखा पूरा, और इनमें जो आर्टिस्ट है वो उनका नाम है शशिका निशन साला फीचरिंग थिलीना रहूंगी। ये वीडियो क्रेडिट जाता है टू द चैनल कॉल वॉइजी म्यूजिक। तो या डिले करने से अच्छा वीडियो की तरफ जाते हैं, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल जाए। 1 2 एंड हियर वी गो। लव रोमांटिक सॉन्ग, गुड। बहुत सुंदर सॉन्ग है ना, अच्छा लग रहा है। ये लाइन मुझे अच्छी लग रही है, ये ना
देख लिया, गाना कितना सॉफ्ट स्वीट एंड रोमांटिक था एंड बिल्कुल डेंजर नहीं था, लाइक कॉम्प्लिकेट करते हैं ना एंड में पार्ट टू आने का वेट करते हैं, वो नहीं था, एंड का वेट नहीं करना, मतलब पार्ट टू का वेट नहीं करना। द सॉन्ग बहुत स्वीट था और इट्स अ लव सॉन्ग, रोमांटिक लव सॉन्ग, स्वीट। द बेस्ट चीज़ इज कि जो सिंगर है, अब इधर टाइटल जिस तरीके से दिया है ना, तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं एक्चुअली कन्फ्यूज था हूँ। शशि निसर, इस मैं डिस्क्रिप्शन में देखता हूँ क्या पता डिस्क्रिप्शन में लिखा। तो उस गाना जो गा रही थी सिंगर, वो कौन थी? शशि का निशान साला हो, पर आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्लियर करना चाहता हूँ। गाना जिन्होंने भी जिनकी भी आवाज़ थी उन दोनों में से, लेकिन बहुत सुंदर थी। एंड द लैंग्वेज जो मुझे सही में नहीं समझ में आई, लेकिन डेफिनेटली वो सॉन्ग प्यार का दिल का ही है, और उसकी फीलिंग्स लाइक कि मैं कितनी प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना खुश रहती हूँ, तुम्हारे साथ रह के तुम मेरे साथ खुश रह के, जो भी है द बॉन्डिंग वही होगा। और बस आवाज़ के लिए मैं बोलूँगा कि आवाज़ बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, और रोमांटिक सॉन्ग था, शांत था। मतलब कैरेक्टर के लिए मैं बोलूँगा कि अभी मैं नया हूँ, मैं इसमें भी जान रहा हूँ, ठीक है, आई एम न्यू टू रिएक्ट ऑन श्रीलंकन वीडियोज़ और सीख रहे हैं, धीरे धीरे आदत तो जाएगी। जैसे मैं नेपाली वीडियोज़ को काफ़ी रिएक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे वीडियोज़ होते हैं उनके, तो वहाँ मैं बहुत चीज़ें सीख चुका हूँ। वैसे अब इधर भी है, इस वीडियो को भी सीख रहा हूँ, है कि नहीं, तो बस सपोर्ट करते रहिए, धीरे धीरे आदत होती रहेगी, फिर एकदम से डायरेक्टली बोल दूंगा, फिर लैंग्वेज भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, बिकॉज इट्स श्रीलंकन सॉन्ग और श्रीलंकन लैंग्वेज पे है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है अंडरस्टैंड करने में, लेकिन यू नो द म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, म्यूज़िक म्यूज़िक होता है, सबके लिए होता है। और थैंक यू गाइस, रिक्वेस्ट आप देते रहते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो को भी देखिए और प्लीज़ हो सके तो शेयर कीजिए, ताकि जो देख मिस कर रहे हैं उनको भी देखने मिल जाए। टेक केयर, बाय।